प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग विद सर सैयद को, और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू कुकिंग विद सर सैयद। वीडियो में मैं बनाऊंगी बिरयानी, थोड़ा सा न्यू स्टाइल से बनाएंगे चिकन बिरयानी बनाऊंगी थोड़ा सा न्यू स्टाइल में। या मैंने बोनलेस चिकन ली है थाई की, हाफ के जी। इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, कुटी मिर्चें हाफ टी स्पून, नमक हाफ टेबल स्पून, जीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून। ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने लिया बेसन 2 टेबल स्पून, यहाँ मैंने लिया है मैदा 2 टेबल स्पून, और एक अंडा, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छा सा। मैं इसे छोड़ दूंगी आधा घंटा, आधे घंटे के बाद मैं इसे फ्राई कर लूंगी। यहाँ देखिए, मैंने दो कप चावल लेके इसे मैंने भिगो दिया था 10 मिनट पहले, तो भिगो के छोड़ दिया था 10 मिनट पहले। अब मैं इसे उबाल लूंगी। यहाँ मैं पानी गर्म कर रही हूँ, एक पतीली में पानी में बॉयल आ गया, इसमें नमक डालूंगी और इसे उबाल लूँगी। क्या देखिए जी, चावल बॉयल हो रहे हैं और मैंने इसमें खुला हुआ पानी डाला है, बहुत ज़्यादा डाला था पानी। फिर जो पानी में बॉयल आ गया तो नमक डाले हाफ टेबल स्पून, और मैं इसे बॉयल कर रही हूँ। जैसे हम बिरयानी के चावल रखते हैं बिल्कुल वैसे ही रखेंगे इसको भी। तो जब ये हल्का नरम हो जाएगा तो मैं इसका पानी निकाल दूँगी। या मैं ऑयल गर्म कर रही हूँ, ऑयल हमारा जब तेज़ गर्म हो जाएगा तो यहाँ चिकन रखिए, इसे हम फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा रेडी हो गया और मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो देखिए दोनों तरफ से हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर इसे निकाल लेंगे। यहाँ देखिए जी, एक तरफ मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने चावल का पानी निकाल दिया और मैंने चावल को पसा दिया, उसको रख दिया एक साइड पे। चिकन को दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए जी, इसे मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए जी, हमने निकाल ली चिकन और इसी तरह हम दूसरी भी फ्राई कर लेंगे। सारी इसी तरह फ्राई करके दोनों तरफ से जब गोल्डन हो जाएगी तो इसे हम निकाल लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। तो मैं इसे सारी फ्राई कर लूँगी और एक साइड पे रख दूँगी। यहाँ देखिए जी, मैं दूसरे पैन में ऑयल डाल रही हूँ। मैंने डाला है 1/4 कप ऑयल। इसमें मैं डालूँगी प्याज, 1 मीडियम प्याज चॉप करके मैंने रखी थी, मैं इसे डाल दूँगी और इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यहाँ प्याज हो गई है हमारी गोल्डन, और इसमें मैंने डाल दी 2 हरी मिर्चें लंबाई में काट की। 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं, 1 मिनट हम इसे फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए थे, चॉप कर लिए थे बारीक, और टमाटर भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसे 1 मिनट भुनेंगे। 1 मिनट भुनने के बाद मैं इसे ढक के रख दूँगी 5 मिनट बिल्कुल धीमी आँच में, ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएँ। 5 मिनट भी रख सकते हैं, 2 से 3 मिनट रख सकते हैं। जैसे ये टमाटर हमारे सॉफ्ट होंगे तो हम इसे भून लेंगे और उसमें फिर मसाला डालेंगे। यहाँ देखिए जी, मैंने चूल्हे को दब पर रखा था 3 मिनट। 3 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटाऊंगी और इसे तेज़ आंच करके भून लूँगी। फिर मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टी स्पून, और इसे 1 मिनट भून लेंगे। 1 मिनट के बाद मैं इसमें डालूंगी नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, धनिया 1/2 टेबल स्पून, और गरम मसाला 1/2 टीस्पून। ये सब चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे से भूनेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून टमाटर पेस्ट, ये मैंने डाले 2 टीस्पून। इसे डाल के मैं अच्छा सा भूनूंगी मसाला, ताकि सारे मसाले टमाटर प्याज सब मसाला अच्छा सा मिक्स हो जाए। यह हमने मसाले को अच्छा सा भून लिया 2 मिनट। 2 मिनट के बाद मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था।
दो मिनट भून लिया अच्छा सा, और दो मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। यहाँ मैं चूल्हा दिखाऊंगी आपको, और इसे मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप दही, क्योंकि गर्म गर्म मसाले में हम दही डालेंगे तो वो फट जाएगा, तो थोड़ा सा नॉर्मल कर लें इसको, मसाले को नॉर्मल करें, नॉर्मल हो जाए तो फिर दही डालेंगे तो फटेगा नहीं। अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने चूल्हा खोला है और इसे मैं भून लूँगी। दही डालने के बाद मैंने इसे अच्छा सा भून लिया है, ऑयल ऊपर आ गया, ऑयल ऊपर आ गया अच्छी तरह, जितने भी हमने ऑयल डाला था सब ऊपर आ गया। फिर उसके बाद मैंने जो चिकन फ्राई करके रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी है, और मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको, और चावल मैंने बॉईल करके रखे थे एक तरफ और थोड़े से ठंडे हो गए थे, नॉर्मल हो गए थे, तो मैं इसके ऊपर चावल डाल दूँगी। ये देखिए जी, ये चावल है, ये नॉर्मल हो गए, मैं इसको इसके ऊपर चावल डाल दूँगी, फैला के डालूँगी। और कोशिश कीजिए कि जो चावल जम जाते हैं, गुठली बन जाते हैं, उसको तोड़ के डाल दें। यहाँ देखिए जी, मैंने चावल डाल दिए इसके ऊपर फैला के, और चावल को मैंने अलग अलग कर लिया था। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी कलर, बिरयानी का कलर, इसे मैं छिड़क दूँगी अच्छी तरह, और साथ ही मैं चाट मसाला डालूँगी 1 टेबल स्पून, और इसे मैं ढक के दम पे रखूँगी। या मैं तवे पे दम करूँगी, तो तवा रखेंगे इसकी पतीली के नीचे, और तेज़ आंच पे मैं तवा को तेज़ आंच पे गर्म करूँगी 1 मिनट। 1 मिनट गर्म करने के बाद बिल्कुल हम दम वाली आंच कर देंगे, और 10 मिनट में बिरयानी को दम लगाऊँगी। 10 मिनट मैंने इसे दम पे रखा था, अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट और दम पे रखूँगी। तो अभी मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक दूँगी और 2 मिनट दम पे रखूँगी। ये देखिए, हमने फाइनली इसको हटा दिया ढक्कन, और 2 मिनट इसे दम पे रखा था मैंने मिक्स करने के बाद। अब ये बिल्कुल रेडी है, ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो गई है, और बहुत यमी थी, बहुत मज़ेदार थी। मैं अक्सर ये घर में बनाती रहती हूँ, तो मुझे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आती है, तो आपको भी पसंद आएगी, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मैंने निकाल ली है, तो बहुत मज़े की, बहुत यमी बनती है, और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर, और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतजार रहता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम है उसे भी फॉलो कीजिएगा, कुकिंग मिस्टर सैयद। मेरा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कीजिएगा, कुकिंग मिस्टर सैयद। और इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए, अपना अपने घर वालों का अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।